आयुष वीडियो और संजय साउंड की शानदार प्रस्तुति बेला सिमरी खगड़िया। कहता हूँ कब तक मैया हो जन भी नहीं करूँगा, मैं सच कहता हूँ कब तक मैया हो जन भी नहीं करूँगा। मैं कहा जब तक उस कठिन समस्या की जब तक उस कठिन समस्या की वृतांत नहीं सुन लूंगा, मैं सच कहता हूँ तब तक मैया भोजन भी नहीं करूंगा। मैं तुरंत महारानी छाती से लगा लिया अपने बेटे को। बताऊं कि महारानी ने कहा कि बेटे बच्चे ऐसा प्रतिज्ञा कभी नहीं करते, बच्चे के मुख से ऐसा सब शोभा नहीं देता बेटा, तुम्हें तो कारण बताना है ही हमें। अगर तुम्हें कारण न बता दूं तो मेरा समस्या समस्या बन के खड़ा रह जाएगा बेटे, सारे समस्या का समाधान तू ही है राजकुमार। कहा तो जल्दी से बता देना माता, देख रही हो कितना व्याकुल हो रहा हूं मैं कारण जानने के लिए। महारानी अपने बेटे को भी सारे सच्चाई से अवगत करवाया, कहा कि बेटा अपने दरबार में आज एक महात्मा जी पधारे हैं, उनके साथ में एक सिंह है, दोनों व्रत किए हुए हैं, आज पारण करना है। कहा तो उन्हें पारण करने का वस्तु देना चाहिए कि बैठ के रोना चाहिए? कहा बेटे वो कपाली महात्मा है, माँ भैरवी को भोग लगा के पारण करेंगे, इसके लिए वो मांस का मांग कर रहे हैं हम सबों से। मांस का नाम सुन के तो राजकुमार भी बेजार होना शुरू किया। कहा माँ तो आज किस जीव का हत्या करेंगे हम सब, किस पे हिंसा पे उतारू होना होगा, बोलो माँ। आप सुन रहे हैं आयुष वीडियो और संजय साउंड की शानदार प्रस्तुति बेला सिमरी खगड़िया। मांस नहीं चाहिए उन्हें, भैरवी को भोग लगाने के लिए मनुष्य का मांस मांग रहे हैं वो महात्मा। राजकुमार के आंख का आंसू सूख गए और मन ही मन विचार करते कि हे प्रभु आप बड़े दयालु हो। राजकुमार सोचते कि ये हमारे लिए सुनहरा मौका बनाए हैं भगवान। माँ कह रही है कि मनुष्य का मांस मांग रहे हैं वो महात्मा। भगवान आप जरा सा प्रेरणा कर दीजिए उस महात्मा के ऊपर, ताकि वो महात्मा हठ कर दे कि मनुष्य में भी हमको बच्चे का मांस चाहिए माँ भैरवी को भोग लगाने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मुझे मनुष्य जन्म लेने का फल प्राप्त हो जाएगा भगवान, अपने माता पिता के कर्ज से उद्धार हो जाऊंगा मैं, ऐसा ही प्रेरणा कर दो आप प्रभु। तब तक महारानी भी बोल ही दिया कि स्वागत सत्कार करूं बेटा तो तुम्हें लाल अर्पण कर दूं, अकन सनी नागनी बन जाऊं या भरी गोद खाली कर दूं। क्या बोल रही है माँ? भरी गोद खाली कर दूं? तुम सचमुच बोल रही है, मैं सुन रहा हूं ना, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं माँ? कह रही हो भरी गोद खाली कर दूं, कहीं वो महात्मा बच्चे का तो मांस नहीं मांग रहे हैं माता? कहा कि माँ स्वप्न देख रहा हूं या सचमुच तू बोल रही है, कहीं वो महात्मा बच्चे का तो मांस नहीं मांग रहे हैं माँ? कहा ठीक समझे हो बेटे, उन्होंने कहा है तेरे पिता से कि यदि कोई अपने बच्चे को करके दो खंड गिराते हैं, हे राजन दाया अंग तभी यह सिंह और हम भी खाते हैं। राजकुमार माँ का चरण पकड़ के कहा कि हे मैया
पिताजी रोए तो रोए, तूने अपना इतना आंसू व्यर्थ का बर्बाद कर दिया मां, व्यर्थ चला गया आंसू तुम्हारा, तू क्यों रोई माता, तुम्हें याद नहीं रहा, रोज रात को सोते समय बिस्तर पर बैठ के हमें तुम शिक्षा देती हो कि बेटे धर्म को सर्वस्व समझना, घर आए हुए अतिथि को भगवान मानना, इन दोनों के सेवा में प्राण की भी आहुति देना पड़े तो कदम पीछे मत हटाना, ये रोज सिखलाती हो ना हमें, तो आज तेरे सारे शिक्षा का इम्तिहान आ गया है इस समय मैया, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि देखो मेरा बेटा कितना मेरा शिक्षा ग्रहण किया है, इस परीक्षा में पास होता है या नहीं, देख चलो मां जरा पिताजी से भी पूछ लेता हूं, इतनी सी बात के लिए वो अपना प्रतिज्ञा तोड़ने पर लगे हुए हैं, अपने वचन से मुकरने के लिए तैयार है वो, मां की उंगली पकड़ के खींचते हुए राजकुमार फिर वापस आए राज दरबार में और कहा कि पिताजी इस माया के फंदे में तू अपना साहस क्यों हारा है, यह हार मंस का ढांचा ही क्या प्यारा कुमार तुम्हारा, हार मंस का ढांचा ही क्या प्यारा कुमार तुम्हारा, ना हार मंस का ढांचा ही क्या प्यारा कुमार तुम्हारा है, क्या प्यारा कुमार तुम्हारा है, हर मास का ढांचा ही क्या प्यारा कुमार तुम्हारा है, क्या है इस शरीर में हड्डी मांस खून पीप मल मूत्र इसी से समूचा बदन भरा हुआ है, एक चमड़े से सारे अवगुण को ढक दिया भगवान, इतना मोह हो गया कि अपने वचन से मुकर रहे हैं, कहाँ है आपका प्रतिज्ञा छोड़ू न धर्म अपना चाहे प्राण तन से निकले, पिताजी मुझे मैया ने हर बात बता दिया है, मालूम हो गया है कि आए अतिथि को बच्चे का मांस चाहिए भैरवी को भोग लगाने के लिए, मैं हर सपना मांस उनको देने को तैयार हूं पिताजी, राजकुमार पहले तो दौड़ के गए, जो नौकर इन्हें नए वस्त्र आभूषण से रोज सजाता था उसको जाके कहा कि भैया अब इस समय तुम्हारी अंतिम सेवा है, अभी के बाद से इस काम से मुक्त हो जाओगे तू, मैं खुद मां भैरवी का भोग लगने जा रहा हूं, के कहा कि मुझे नए वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर दो भैया, मैं सज धज के मां भैरवी का भोग लगना चाहता हूं, नए वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हो लिया राजकुमार, बगल में एक छोटा सा कटार भी खोस के रख लिया है, कहीं वो महात्मा कह दे कि अपने हाथ से मांस निकाल के दो तब मैं क्या करूंगा, इसलिए कटार भी खोस लिया, जब वापस फिर राज दरबार में आए तो राजा रानी तो हिचकी मार दिया, भगवान दिया हुआ प्रसाद आज हमसे वापस छीन रहे हो, ये कोहिनूर हीरा आज मेरे हाथ से निकल रहा है प्रभु, क्या जीवन में मैंने अपराध किया जिसके लिए इतना बड़ा सजा दे रहे हो, और राजकुमार तो बढ़ के आए, एक उंगली पिता का और एक उंगली माँ का पकड़ लिया, बीच में राजकुमार अगल बगल माता पिता उंगली पकड़ के खींचते हुए फाटक के तरफ ले चले राजकुमार, जहाँ फाटक पर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं राजकुमार का, मन चल चल प्रभु के शरण बामे, मन चल चल प्रभु के शरण बामे, मन चल चल प्रभु के शरण बामे,
मन चल चल प्रभु के शरण मामे देर काहे कैला प्रभु के भजन मामे देर काहे कैला प्रभु के भजन मामे मन चल चल प्रभु के शरण मामे मन चल चल प्रभु के शरण मामे आप सुन रहे हैं आयुष वीडियो और संजय साउंड की शानदार प्रस्तुति सेलर सिमरी खगड़िया। चल चल प्रभु के शरण माए नर्तन पाके तू भजन नर्तन पाके तू भजन भुलैया मानव के देहिया मन फेरू नहीं पाइबा हो मानव के देहिया मन फेरू नहीं पाइबा काम नहीं चले कोनो बहन मामे का हो नहीं चल कोनो बहन मामे मन चल चल प्रभु के चल चल प्रभु के शरणवा में काहे कैला प्रभु के भजनवा में काहे कैला प्रभु के भजनवा में मन चल चल प्रभु के शरणवा में हो मन चल चल प्रभु के शरणवा में से जो भगवान को देखा था ना राजकुमार माता पिता की उंगली छोड़ के 10 कदम तेजी से बढ़ जाते और भगवान के निकट जाके पिता के अनुकूल पहले सिंह को प्रणाम किया तब राजकुमार भगवान को भी प्रणाम किया और कहा कि बाबा मैं ही इस दरबार का राजकुमार हूं मेरा नाम ताम्रध्वज है मेरे माता पिता ने हर बात समझा दिया है आपको बच्चे का मांस चाहिए ना माँ भैरवी को भोग लगाने के लिए मैं हर सपना मांस आपको देने के लिए आया कहा कि बाबा मैं सहर्ष मांस देने आया हूं देखिए अपने बगल में एक कटार भी लेके आए हैं अगर आप कह दे तो मैं अपने हाथ से भी मांस निकाल के दे सकता हूं आप जमराज जो अभी तक भरोसा किए हुए थे कि कम से कम राजकुमार मरने को तैयार नहीं हो तभी बच पाएंगे हम ये रहा सहा धैर्य भी जमराज का समाप्त हो गया लेकिन भगवान तो कठोरता का भंडार खोले हुए है ना कहे बच्चे अगर तेरे माता पिता हर बात समझा देते तो ये कटार दिखलाने नहीं आता तू हमें क्योंकि इस कटार से मेरा काम होने वाला नहीं है मैं तेरे पिता को पहले ही बता चुका हूं कि हे राजन दाया अंग तभी यह सिंह और हम भी खाते हैं उत्तम अंग दाहिना का आवश्यकता है हमें बाया अंग तो नापाक होता है तो दाहिना बाया इस कटार से संभव नहीं है राजकुमार कटार से नहीं संभव है इसके लिए आरा चलाना होगा चीरना होगा तेरे बदन को दो भाग में और वो आरा तेरे माता पिता ही चला सकते हैं दूसरा कोई इसमें हाथ लगा दे तब तो मांस नापाक हो जाएगा फिर भैरवी को भोग लगाने के लायक रहेगा नहीं पूछ तो अपने माता पिता से चलाएंगे आरा चीरेंगे तुम्हारे बदन को दो भाग में राजकुमार कहा हाँ आपके हर आज्ञा का पालन हम सब करेंगे बाबा चाहे जिस तरह आप भोजन करके जाएं हर कुछ करने को हम सब तैयार हैं पिताजी जरा मक्साला से आरा ले आइए ना बाबा कह रहे हैं कि शरीर को दो भाग में चीरना होगा बड़े भारी मन से जाके
राजा मक्साला से आरा लाए और रानी गौशाला से थोड़ा गोबर लेके आती है। कुछ दूर जगह को नीप के पवित्र किया, बीच में राजकुमार को बैठा के मस्तक पर आरा रख के राजा रानी पकड़ लिया। बेटे को चीरने के लिए ये वो भारत वर्ष है, धर्म पे सर्वस्व न्योछावर करने वाला, सर्वस्व लुटा देने वाला, धर्म के लिए अपना जीवन भी दांव पे लगा देने वाला भारत भूमि है ये। जब मस्तक पर आरा रख के राजा रानी पकड़ा चीरने के लिए, भगवान कहा कि एक बार सुन के तब आरा चलाना मोरद, जब तक तेरे यहां से भोजन करके लौट के चला नहीं जाऊंगा मैं, तब तक राजा रानी और राजकुमार तुम तीनों में यदि कहीं किसी के आंखों में दुख के आंसू भर आएंगे तो हम सब त्याग देंगे भोजन, सब काज भ्रष्ट हो जाएंगे। राजा रानी राजकुमार तीनों में कोई एक बूंद आंसू नहीं बहा सकते हो, आंसू को रोक सको तभी आरा चलन। मोर ध्वज कहा कि धन्य है अब बाबा, मैं नहीं रोऊंगा, मेरी अर्धांगिनी भी नहीं रोएगी, लेकिन जिसके सर पर ये आरा चलेगा बाबा वो एक बार आह भी नहीं भर सकता है क्या? राजकुमार का नहीं नहीं पिताजी, मेरे आंख से तो आंसू निकल ही नहीं सकता, मेरा आंसू तो उसी समय सूख गया जिस समय माँ ने कह दिया कि बेटा वो महात्मा तेरा मां चाहते हैं। ऐसा सौभाग्य किसे प्राप्त हो सकता है पिताजी? दरबार में सत्संग होता है तो विद्वानों के मुख से सुनता हूँ कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नहीं, और मैं कैसा सौभाग्यवान आपका बेटा हूँ, इसी उम्र में माँ भैरवी के भोग लगने का सौभाग्य मिल गया हमें साधु का सेवा करने का। आप सब भी अपने आंसू को रोक के रखिएगा, आंसू न गिरे कि बाबा बिना भोजन किए लौट जाए, और अब देर नहीं कीजिए आरा चलाने में। बोले सुन लो हे पिता क्यों करते हो देर, खींच लो आरा शीघ्र ही रहा सिंह भी है। देखते हैं रह रह के सिंह हमको घूर रहा है, कल से भूखा है, कितना परेशान होगा बेचारा, इसको जल्दी से जल्दी भोजन चाहिए इसीलिए रह रह के घूरता है। चला दीजिए आरा के निर्पराणी धन धन कह कर सर पर खींचने लगे, निर्पराणी धन धन कह कर सर पर खींचने लगे, निर्पराणी धन धन कह कर सर पर खींचने लगे, निर्पराणी धन धन कह कर सर पर खींचने लगे, निर्पराणी धन धन कह कर सर पर खींचने लगे। आनंद बिहसता रहा कुमार सर से बहकर, एक श्री किशोरी मातो जी, किशोरी मातो जी के सजन से भी 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बहुत धन्यवाद इन्हें भी पुरस्कार के लिए। प्रभु सारे परिवार को बहुत आनंद रखे। निर्पदा निधन धन का सर पर खींचने लगी आरा, निर्पदा निधन धन का कर सर पर खींचने लगी आरा, आनंद बिहसता रहा तुम्हार सर से बहकर रसधारा, 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 आनंद भी हंसता रहा कुंवर,
सारा बदन खून से लथपथ हो चुका है, लेकिन मुख में मुस्कुराहट है राजकुमार के। जरा सा मुख मलिन नहीं होने देते, लेकिन भगवान भी तो लीलाधारी है। अरे बाकी है गंगा लगा ले रे गोता, राम जी जो चाहे तो क्या नहीं होता, अहो राम जी जो चाहे तो क्या नहीं होता, राम जी जो चाहे तो क्या नहीं होता, अहो राम जी जो चाहे तो क्या नहीं होता। पातिया गंगा हो पातिया गंगा लगा ले रे गोता, राम जी जो चाहे तो क्या नहीं होता, राम जी जो चाहे तो क्या नहीं होता। पिंकू पिंकू जी के नाम से भी 11 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बहुत धन्यवाद। राम जी जो चाहे तो फिर क्या नहीं होता। दोबारा राजा खींच दिया आरा को, और दोबारा रानी ने जो खींच दिया आरा को, राजकुमार के नाक तक पहुंच गया। 5 वर्ष के तो मासूम बालक। ठीक उसी समय राजकुमार के बाएं आंख से 2 बूंद आंसू टपक के गिर गया जमीन पर। भगवान कहा बंद कर दे आरा चलाना मोर ध्वज, कभी तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ मैं। मैं पहले कहा था कि आंसू को रोक सको तभी आरा चला। मोर ध्वज कहा मैं हंस रहा हूँ, मेरी अर्धांगिनी भी तो हंस रही है। भगवान कहा तुम दोनों तो हंस रहे हो मोर ध्वज, लेकिन जिसका मांस मैं माँ भैरवी को भोग लगाऊंगा, जरा उस राजकुमार के बाएं आंख में देख तो आंसू है या नहीं। आंसू देखते राजा रानी मूर्छित होके गिर गए वहीं जमीन पर। हे भगवान, पुत्र भी छीन लिया और अब धर्म भी छीन रहे हो आप हमसे, लेकिन राजकुमार अभी भी जीवित है। कहा कि बाबा आरा मेरे नाक तक आ चुका है, इसलिए मेरे मुख से आवाज निकलना नहीं चाहता, लेकिन आप अगर मेरे निकट आइए तो मैं कारण बताता हूं कि क्यों मेरे आंख से आंसू निकला है। भगवान कहा कि अब क्या बताएगा तू, अब मैं माँ भैरवी को भोग लगा था, 2 बूंद आंसू बहा के मेरा सारा खेले बिगाड़ दिया तूने। लेकिन भगवान लौट के नजदीक आए थे जरूर। कहा कि क्या बताना चाहते। कहा गौर कीजिए मेरे दोनों आंख से आंसू निकला है क्या बाबा। भगवान कहा हमें अंधा समझता है राजकुमार। कहा दोनों आंख नहीं तेरे बाएं आंख से आंसू निकला है। कहा आप ठीक दिखे हैं बाबा, तो आप जरा ठंडे हृदय से विचार कीजिए। ब्रह्मा ने एक शरीर का सृष्टि किया, मां के गर्भ से एक ही शरीर जन्म लिया,
आज और अभी तक एक ही शरीर पल रहा था बाबा, लेकिन आप अभी अभी आके इसको दो भाग में बांट दिए कि हमें उत्तम अंग दाहिना चाहिए, बायां अंग न पाक है। आप ही ना अलग अलग किए हो बाबा, तो आप बाएं आंखें में क्यों आंसू देख रहे हैं? अफसोस हो रहा है हमें। आप अगर गौर करेंगे बाबा तो बाएं अंग के रोए रोए से आंसू बरस रहा है, क्योंकि ये बेचारा अपने भाग्य को कोस रहा है ना। हो रहा अंग दाहिना सफल, सरकार सिंह के सादर है, बामंग व्यर्थ हो जाएगा, इसका हो चुका निरादर। ये अपने भाग्य पर रो रहा है कि बारे उत्तम अंग दाहिना, सात जन्म लिया, सात खेला, सात पला, आज तू साधु के सेवा में जा रहे हो और हमें श्मशान में कहीं सूकर कुकर भक्षण करेगा ना। हे बाबा, तो कसूर तो बायां अंग से न हुआ है। फिर राजकुमार कहा कि बाबा कसूर कर दे बायां और सजा दे दे आप दाहिने को भी, ये कहां का नियम है? मैं आप ही से जानना चाहता हूं बाबा कि गरबा मंग अपराधी है तो भगवन वही दंड पावे, पर जिसका कोई दोष नहीं वे भी क्या ठुकराया जावे, पर जिसका कोई दोष नहीं वह भी क्यों ठुकराया जावे, पर जिसका कोई दोष नहीं वह भी क्यों ठुकराया जावे। वह भी क्यों ठुकराया जावे, पर जिसका कोई दोष नहीं वह क्यों ठुकराया जावे। भगवान कहा कि ये मोरदुआ उठो और चलाओ आरा, अवश्य भोजन करूंगा मैं। बड़ा बुद्धिमान है ये तुम्हारा बेटा, बहुत बड़ा भूल करने से बचा लिया इस समय हमें। हम तो बड़ा अपराध करने जा रहे थे, आंसू निकला है बाएं अंग और हमें जरूरत है दाहिने अंग का, तो बाएं अंग से क्या लेना देना है हमें। फिर से राजा रानी आरा चलाया, अब लड़का दो खंड हो गिरा धरनी अर्रा, दोनों अंग राजकुमार का दोनों तरफ गिरता है। बाएं अंग को उठा के घर के अंदर ले गई मां, चादर से ढक के रख दिया, और दाहिना अंग जब मुरुध्वज बढ़ाए भगवान के आगे, भगवान का हमको जानवर समझ रहे हो क्या? हे मुरुध्वज, ये अंग लेके क्या करूंगा मैं? कहा तो अब क्या करूं? कहा विधि विधान से मांस तैयार करवाई से, जिस विधि से मांस तैयार किया जाता है। कहा कि बाबा मेरे दरबार को कौन कहे, इस राज्य में किसी को विधि की जानकारी नहीं, समूचा राज्य मेरा सत्य और अहिंसा का कट्टर पुजारी है। भगवान कहा बनाएगी तेरी महारानी और विधि मैं बताऊंगा, दूसरा तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, नहीं तो मन नापाक हो जाएगा, भरवी को भोग कैसे लगाऊंगा। दाहिने अंग के टुकड़े टुकड़े न कटवा दिए थे महारानी के हाथों भगवान, कड़ाह में देके चूल्हे पर चढ़वा के विधि विधान से मांस तैयार करवा दिया।
फिर कहा कि पांच थाली में परोस के पंक्ति में रखो। पांच थाली में परोसवा के रखवा लिया, एक पर सिंह को बैठा दिए और एक पर भगवान खुद बैठे थे। कमंडल से जल लेके मंत्र पढ़े, भोग लगाए। अब तीन थाली और है बचा हुआ। भगवान का एक एक थाली राजा रानी तुम भी आके पकड़ो। मोरध्वज कहा कि बाबा ये मेरे बेटे का न मांस है, क्या अपने बेटे का मांस भी ग्रहण करना होगा हमें? भगवान का किसी के बेटे का मांस नहीं। अब ये माँ भैरवी का प्रसाद है मोरध्वज, देखा नहीं भोग लगा चुका हूं मैं। देर करोगे बैठने में मोरध्वज को, मैं भी उठ के खड़ा हो जाऊंगा। कान वज्र टूट जाते जब रूट तुम जाते, कठोरता का भंडार खोल के न आए हैं भक्त का जांच करने। राजा रानी भी जब एक एक थाली पर बैठ गए, पांचवा थाली फिर भी बचा हुआ है। भगवान कहा कि इस पर तेरा बेटा बैठेगा मोरध्वज, बेटे को भी बुला लो। अब किस बेटे को बुलाने का आदेश देते हैं बाबा? अब कौन बेटा है हमारा? एक ही तो पुत्र था जो आपके थाली में मौजूद ही है, तो इस थाली पर बैठने कौन बेटा आएगा मेरे? भगवान का इसका मतलब तुम निर्वंश हो चुके हो। ऐसे निर्वंश के दरवाजे भी पारण नहीं कर सकता हूं मैं। पहले क्यों नहीं बता दिया था कि एक ही संतान है? मैं इतना नाटक करने ही नहीं देता तुम्हें। चलो दोस्त कहीं और पारण करना है। सिंह उठना नहीं चाहते, भगवान डोरी पकड़ के खींच रहे हैं। मोरध्वज कहा कि सुनिए बाबा, अब हमारी जीत हो चुकी और आप हार के भाग रहे हो यहां से, लेकिन जाने के पहले एक बात सुन लीजिए। आपने जो मेरे आंसू पर ताला मार दिया है, वो मेरे आंख को फार के बाहर निकलने को तैयार है अब्बा बाबा। इस समय अगर दर्द से कराहता दो बूंद भी आंसू मेरे आंख से निकल के गिरा जमीन पर, सारे लोग टूट के पृथ्वी पे आएगी और पृथ्वी रसातल चली जाएगी। बाबा जरा देखिए बढ़ गया। भगवान कहा कि आंसू को रोके रखना, मोर दो जन अर्थ हो जाएगा। मैं आके बैठ रहा हूं, आंसू मत गिरने देना। आके फिर भगवान बैठ लिया और कहा कि फाटक के बाहर जाके एक बार उसी बेटे को बुला के देखो न मोरध्वज। कहा कि हाँ बाबा, क्यों नहीं बुलाऊंगा? जिंदा बेटा को तो हर बापे बुलाता है, मरे हुए बेटे को बुलाने का सौभाग्य आप हम ही को दिए हैं, कैसे नहीं बुला सकता हूं? राजा रानी फाटक के बाहर निकल गए और बड़े करुण स्वर में कहते कि हे नाथ, मैं उस बाल को ढूंढो कहां कहां। हे नाथ, मैं उस बाल को ढूंढो कहां कहां जाए। नाथ, मैं उस बाल को ढूंढो कहां कहां जाए। हे नाथ, मैं उस बाल को ढूंढो कहां कहां जाए। जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया। फिर वो छबीले बाल को ढूंढो कहां कहां, फिर वो छबीले बाल को ढूंढो कहां कहां जाए। नाथ, मैं उस लाल को ढूंढो कहां कहां, हे नाथ, मैं उस लाल को ढूंढो कहां कहां जाए। इधर भगवान कहते कि ये जमरा, जानबूझ के मोरध्वज दोनों प्राणी को फाटक के बाहर मैंने भेज दिया। तुमसे पूछने के लिए कि कुछ और दृश्य देखना चाहते हो? और कुछ देखोगे कि मोरध्वज कैसा भक्त है हमारा? अभी बहुत करिश्मा कर सकता हूं मैं जमराज। जमराज तो प्रगट होके लिपट गए भगवान के चरण में। नहीं नहीं प्रभु, अब क्षमा कर दीजिए अपने भक्त को, बहुत तपा दिया आपने।
मैं कभी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा कठोर भी हो जा सकते हैं आप। मैं तो मुरुद्वज से कब का संतुष्ट हो चुका था भगवान, लेकिन आप हमको जानवर बना दिए, सिंह बना दिए, हम बोल कैसे पाते। अब उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहा कि उसको तो क्षमा करूंगा जमराज, लेकिन तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। बहुत कष्ट में डाल दिया मेरे भक्त को तूने। अभी सुदर्शन को बुला के तेरा फैसला इसी जगह करवा ही देता हूं। जैसे ही सुदर्शन का प्रभु ने नाम लिया, एक तरफ ब्रह्मा दूसरे तरफ भोलेनाथ, दोनों दोनों हाथ जोड़े आके खड़े हो गए। नहीं प्रभु, क्षमा कर दीजिए जमराज को, ये आपके भक्त का जांच करा के आपके भक्त का महत्ता बड़ा ऊंचा उठा दिया है। धर्म ग्रंथ में स्वर्ण अक्षर से नाम लिखा जाएगा मुरुद्वज का, और जुग जुगांतर तक बच्चे बच्चे गुणगान करेंगे इसके नाम के। जमराज काल है, इसका रहना आवश्यक है प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। उधर भगवान जैसे मुरुद्वज जैसे ही कहा कि ओ बेटा राजकुमार, आवाज मिली, आ रहा हूं पिताजी। हमारा नहीं, अपने बेटे का आत्मा भटकने लगा है क्या? आवाज सुनाई दिया तुम्हें? अकाल मृत्यु न मरना पड़ा बेचारे को। भगवान हाथ उठा देते हैं, बुद्धि बदलना मुरुद्वज, आत्मा नहीं भटकता, वो तेरा ही बेटा रथ चला आ रहा है। कब तक राजकुमार आके लिपट गए भगवान अपने पिता से। कहा कि महारानी, ये तो अपना ही बेटा ताम्रध्वज है, इसका मतलब आया समझ में तुम्हें? घर में वो कोई महात्मा नहीं है महारानी, वो महात्मा का रूप बनाए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो उंगली के इशारे पर दिन भर नचा रहे हैं हम सबों को। जल्दी चलो, उनके असल स्वरूप का दर्शन करके चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए हम सबों को। राजा रानी राजकुमार तेजी से जो अंदर प्रवेश किया तो देखा ब्रह्मा विष्णु महेश, बगल में जमराज चारों सर झुकाए खड़े हैं। मुरुद्वज लपके की जाके भगवान के चरण में गिर जाता हूं, तब तक भगवान ही जल्दी कर दिया। भगवान खुद दो कदम आगे बढ़ के और झुक जाते हैं मुरुद्वज के चरण की ओर कि तू इतने ऊंचे पद पे हो राघव का मस्तक झुकता, तू इतने ऊंचे पद पर हो राघव का मस्तक झुकता है, तुम इतने ऊंचे पद पर हो राघव का मस्तक झुकता है, तू इतने ऊंचे पद पे हो राघव का मस्तक झुकता, तू इतने ऊंचे पद पर हो राघव का मस्तक झुकता है। काज तूने अपने भक्ति अपने त्याग से अति प्रसन्न कर लिए हो मुरुद्वज हमें, तो आज जितना वरदान मांग सको मांग लो हमसे। कहा सिर्फ दो वरदान हमको चाहिए प्रभु। एक वरदान चाहिए कि जब तक मैं जीवित रहूं हमारी लगन आप ही के चरण में लगी रहे, और दूसरा वरदान चाहिए कि आप हमें वचन दे दीजिए भगवान की आज के बाद ऐसा जांच और किसी भक्त के साथ नहीं करेंगे। आप बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथ सबों पर फेरी के आदेश भक्ति वरदान, अजम समेत श्री हरि हुए क्षण में अंतर ध्यान। तो ये कहानी तेरे भक्त भगवान, ये कहानी तेरे भक्त भगवान की, ये कहानी तेरे भक्त भगवान, ये कहानी तेरे भक्त भगवान की। ऐसे लीलाधारी हमारे प्रभु हैं, ये कथा आप सबों के सेवा में रखा हो। यथा शब्द जहां तक सो तो